हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने लूथर मेयर कर्व को समझ लिया था, ठीक है, डोबेराइनर को समझ लिया था। आई होप सो कि आपको वहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। मेंडेलीव पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल, अब देखते बच्चों एक एक करके कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आपका होता क्या है, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पर समझते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आपका होता क्या है, ध्यान से समझना। मेंडेलीव ने क्या किया, लूथर मेयर ने आपको क्या बताया था, लूथर मेयर ने आपको क्या बताया था, इस समझना। लूथर मेयर ने आपको क्या बोला था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर पीरियोडिक फंक्शन मतलब आपको क्या बोला, ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट। अब बात को ध्यान से समझना, ऑफ देयर एटॉमिक वेट के बारे में, कि यहां पर क्या होता है बच्चों, जहां पर जिस तरीके से आपका लूथर मेयर ने एटॉमिक वेट को पीरियोडिक फंक्शन मान लिया था, उसी तरीके से यहीं पर मेंडलिव ने भी क्या बोला, मेंडलिव ने भी इसका मतलब कि क्या किया, मेंडलिव ने भी एटम के पीरियोडिक फंक्शन को क्या माना, पीरियोडिक फंक्शन उसने क्या माना बच्चों, एटॉमिक वेट माना। मतलब जो आपके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के वे में मुझको अरेंज करना था किसी भी एटम्स को, और उसने पीरियोडिक फंक्शन किसको माना, एटॉमिक वेट को, ठीक है। सो ही अरेंज द एटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब देखो, उसने एटॉमिक वेट को पीरियोडिक फंक्शन मान लिया, एटॉमिक वेट को क्या माना उसने, पीरियोडिक फंक्शन। तो उसने इसी तरीके से पीरियोडिक फंक्शन मानते हुए उसने एटम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एटम के एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंज करना स्टार्ट किया। तो उसका अरेंजमेंट क्या था, उसके अरेंजमेंट में दो खास बात थी, ठीक है। इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल देर आर फ्यू ग्रुप्स एंड फ्यू पीरियड्स, ठीक है। कुछ पीरियड्स आपके यहां पर थे और कुछ आपके ग्रुप में उसने सब डिवाइड किए, ठीक है। ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका वर्टिकल कॉलम, ठीक है, वर्टिकल कॉलम। और आपका पीरियड्स का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रो। मतलब मैंने किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं अगर पीरियड्स की बात करूंगा तो यहां से यहां, मतलब मूवमेंट मेरा कहाँ से कहाँ होगा बच्चों, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होगा। और अगर मैंने ग्रुप की बात की तो मेरा मूवमेंट क्या होगा बच्चों, हमेशा टॉप टू बॉटम, मेरा मूवमेंट हमेशा क्या होगा बच्चों, टॉप टू बॉटम। तो ग्रुप हमेशा टॉप टू बॉटम की ओर मूव होगा, और आपका जो पीरियड होगा वो हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर मूव होगा बच्चों, लेफ्ट टू राइट की ओर मूव होगा। तो उसने क्या किया, इसने क्या किया कि पीरियड्स में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ठीक है, अब फोर्थ पीरियड को इसने सब सब डिवाइड कर दिया, एक कर दिया इवन और एक कर दिया ओड टाइप में, ठीक है। फोर्थ को, फिफ्थ को भी उसने क्या किया बच्चों, आप देख सकते हो अपने पीरियोडिक टेबल में, एक उसने इवन टाइप में कर दिया, एक इसने ओड टाइप में कर दिया, ठीक है।
और सिक्स को भी उसने क्या कर दिया, दो पार्ट में था, सब डिवाइड कर दिया, एक उसने इवन में कर दिया था, एक उसने ओड में। ठीक है, इस तरीके से उसने इस तरीके से आपके क्या किया कि इस तरीके से उसने आपके इस पीरियड्स को डिवाइड किया। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ सिक्स्थ, और आपका एक और पीरियड हो गया बच्चों यहाँ पर सेवन्थ। ठीक है, इस तरीके से उसने सब डिवाइडेड किया। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब ग्रुप ग्रुप में जीरो जीरो से लेके एट्थ ए, मतलब हर उसने ग्रुप को किसमें, हर ग्रुप को उसने दो पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट किया, हर ग्रुप को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, केवल और केवल एट्थ ए को छोड़ के, एट्थ ए को छोड़ के उसने हर ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर ग्रुप मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो देखो उसने जीरो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, यहां पर मैं इस तरीके से ना लिख के उसको हम सिंपल बोलते हैं कि उसने आपका जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, बस एट्थ को उसने सब डिवाइड नहीं किया, बाकी सबको उसने क्या किया, ए और बी में सब डिवाइड किया। ठीक है, ए और बी में उसने बाकी सबको सब डिवाइड किया, बाकी इन यहां से यहां तक उसने सारे ग्रुप को ए और बी में उसने क्या कर दिया बच्चों, सब डिवाइड कर दिया। ठीक है, जहां पर उसने एट्थ को छोड़ दिया। ठीक है, यहां तक तो उसका ठीक था। अब इसकी खास बात ध्यान से समझ लेना, जो आपका जीरो वाला था पैटर्न, जीरो आपका किसके लिए था, फॉर हेलोजन एलिमेंट, फॉर हेलोजन ग्रुप के लिए, यह आपका हेलोजन ग्रुप के लिए था। तो इस तरीके से उसने पीरियोडिक टेबल का कुछ अरेंजमेंट रखा। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ किस तरीके से उसने, जैसे इस तरीके से उसने अरेंजमेंट, मैं उसको वो अरेंजमेंट को थोड़ा सा बता रहा हूँ बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो यहां पर मैंने एज एग्जाम्पल फर्स्ट ए लिया, तो यहां पर फर्स्ट ए फर्स्ट बी। ठीक है, और मैं यहां पर फोर्थ वाला ले रहा हूँ, तो मैंने अगर फोर्थ पीरियड लिया तो यहाँ पर इवन और यहाँ पर ओड, तो इवन में जो जो एटम आएंगे ओड में हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से उसने डिवाइड किया। ठीक है, मैंने मैंने डिवीजन वाला पार्ट लिया, बाकी इन सब में आपका इस तरीके से नहीं होगा, ध्यान से समझना। देखो अगर मैंने फर्स्ट ए फर्स्ट बी कर दिया, देखो यहाँ पर मैंने दो लाइनें खींच दी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फर्स्ट ए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल को हम आगे कंपैरिजन करेंगे, बाकी मैं आगे पीरियोडिक टेबल आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे, फिर मैं आपको मॉडर्न और मोजले वाले में डिफरेंस करना बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें कितने पीरियड थे और कितने ग्रुप थे, बस आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है, बाकी तो मैं इसको पीरियोडिक टेबल आप लोगों को बनाना बताऊंगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप लोगों को बनाना बताऊंगा जब मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक इसमें बता दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले एडवांटेज ऑफ, मतलब इसके पीरियडिक टेबल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, ठीक है ध्यान से समझना, एडवांटेज ऑफ दिस पीरियडिक टेबल, एडवांटेज ऑफ दिस पीरियडिक टेबल, एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, मेंडलीव पीरियडिक टेबल का आपका एडवांटेज क्या था बच्चों, अब ध्यान से समझना, मेंडलीव पीरियडिक टेबल का सबसे बड़ा एडवांटेज था, ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस, ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस, मतलब ही लेफ्ट सम, यहां पर लिख दो ही लेफ्ट सम, यहां पर ध्यान से समझना, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज पहला, ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस इन पीरियोडिक टेबल, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में ब्लैंक स्पेस छोड़ा, क्यों, फॉर फॉर फ्यूचर फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट जिस जो आपको फ्यूचर में डिस्कवर्ड होंगे उसके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा, एंड एंड डिफाइन
डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड डिफाइन एंड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज एंड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट मतलब वो हम क्या बोल सकते हैं, उसने 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 अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़े किसके लिए, फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, और उसकी प्रॉपर्टी को भी उसने डिस्कवर्ड कर दिया तो अब हम समझते हैं कैसे कैसे। देखो यहां पर उसने कुछ कुछ इस तरीके से बताया बच्चों, देखो ध्यान से समझना ठीक है। अब उसने एल्यूमिनियम के नीचे उसने ब्लैंक स्पेस छोड़ा ठीक है, उसने आपका एल्यूमिनियम के नीचे छोड़ा, एक सिलिकॉन के नीचे छोड़ा, सिलिकॉन के आस पड़ोस में कोई ब्लैंक स्पेस छोड़ा ठीक है, सिलिकॉन के आस पड़ोस में कुछ आपके बोरोन के आसपास में छोड़ा ठीक है, और कुछ आपके किसके मैग्नीज के आसपास में छोड़ा, इस तरीके से उसने ब्लैंक स्पेस छोड़ा। और ब्लैंक स्पेस में इन ब्लैंक स्पेस में आपके वही एटम आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से सिमिलर थी, सिलिकॉन से सिमिलर थी। तो आगे जब फ्यूचर डिस्कवरी हुआ तो हमको ये पता पड़ा कि यहाँ पर आपका गैलियम ठीक है, सिलिकॉन पे आपका जर्मेनियम ठीक है, यहाँ पर आपका बोरोन में आपका क्या था स्कैंडियम, और मैग्नीज में आपका टेक्टिनियम। देखो ये था, लेकिन उसने इसका इसका जो स्पेसिफिक नेम है गैलियम जर्मेनियम स्कैंडियम और टेक्टिनियम वो नाम उसने नहीं बताया, उसने क्या बोला कि इसके ब्लैंक स्पेस में जो एलिमेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे एका एल्यूमिनियम ठीक है, यहां पर क्या बोलेंगे एका सिलिकॉन, इसका नाम उसने क्या बोला एका बोरोन, इसका नाम उसने क्या बोला एका मैंगनीज। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल के टाइम ओनली कितने 53 एलिमेंट्स आपके डिस्कवर थे, कितने एलिमेंट ओनली 53 एलिमेंट्स हैव हैड डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, only 53 एलिमेंट्स आपके उस टाइम डिस्कवर्ड थे बस, और जो बाकी अनडिस्कवर्ड थे उसने उसकी प्रॉपर्टी भी बता दी। सबसे पहली बात है एल्यूमिनियम की बाजू में स्पेस उसने छोड़ा, स्पेस छोड़ा मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एटम आएगा, तो उसके अंदर आगे जाके किसको रखा गया, एल्यूमिनियम के आजू बाजू जो स्पेस छोड़ा मतलब उसकी बगल में नीचे जो स्पेस छोड़ा उसके आगे जाके वहां पर कौन से एटम को रखा, गैलियम एटम को। और वास्तव में देखा गया कि गैलियम एटम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के इक्वल है, तो इसीलिए वहां तो उसने मेंडलीव ने उसका नाम क्या रखा था, यहां पर जो आपका एटम आएगा वो आपका एका एल्यूमिनियम मतलब एका एल्यूमिनियम के टाइप का होगा, वहां पर जो आपका एटम आएगा वो किसके टाइप का होगा एका एल्यूमिनियम के टाइप का होगा। मतलब उसने क्या बोला गैलियम को एका एल्यूमिनियम बोला, और क्या बोला कि एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी यहां आने वाले मेटल से मैच कर जाएगी, मतलब जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है समझो कि यहां पर समझना, देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बगल में उसने ब्लैंक स्पेस छोड़ा और ब्लैंक स्पेस के बारे में पहले ही बता दिया उसने कि इन अ प्रॉपर्टी ऑफ, अब जो आपके ब्लैंक स्पेस के अंदर जो एटम आएगा उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से सिमिलर होगी, उसने ऐसा पहले ही बोल दिया। जब उसने ऐसा पहले ही बोल दिया तो उस एटम का नाम भी उसने बोल दिया एका एल्यूमिनियम बोलेंगे, लेकिन आगे जाके फर्दर एका एल्यूमिनियम में हमने कौन से एटम को रखा गैलियम को, तो हम ध्यान रखना बच्चों अक्सर पूछ लेता है गैलियम को एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन, स्कैंडियम को एका बोरोन और टेक्टिनियम को एका मैग्नीज बोलते हैं। बच्चों इस बात का अच्छे से ध्यान रखना ठीक है। इस तरीके से उसने फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट का प्रेडिक्शन कर लिया था ठीक है बच्चों, काफी ईजी था ठीक है। और यहां पर उसने एटोमिक वेट, उसने सबसे पहली बात तो उसने करेक्शन इन एटॉमिक वेट में भी उसने क्या कर दिया बच्चों, करेक्शन कर दिया ठीक है। एटॉमिक वेट को उसने बोला
वैलेंसी मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट। अब आपसे कोई पूछेगा कि यह फॉर्मूला कहां से आया, यह फॉर्मूला आपका आपका मैं बता दूं कि उसमें दिया था वैलेंसी मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट, मतलब इक्विवेलेंट वेट कोई भी एटम उसके हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ मतलब हाइड्रोजन के एक एटम के साथ कितना पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे आप लोग पढ़ोगे फिजिकल में इक्विवेलेंट वेट। अब देखो उसने क्या किया कि जैसे उसने, अब देखो उसने हर टाइम, उसने हर पीरियड के ऊपर उस ग्रुप की जो वैलेंसी थी, वैलेंसी ध्यान से समझना, उससे ना यहाँ पर ग्रुप की जो वैलेंसी थी उस ग्रुप के हिसाब से उसने ऑक्साइड लिखे, कहीं उसने आर टू ओ टू लिखा, कहीं उसने आर ओ लिखा, कहीं उसने आर टू ओ लिखा, तो इस हिसाब से उसको वैलेंसी का भी पता पड़ गया। ठीक है, उसने उस ग्रुप को, ग्रुप के हिसाब से वैलेंसी भी निकाल ली। अब उसने वैलेंसी निकाली तो उसने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट जिनके एटॉमिक वेट गलत थे उसके एटॉमिक वेट को उसने यहाँ पर करेक्ट कर दिया। कुछ एलिमेंट थे जिसके एटॉमिक वेट आपके गलत थे उसके एटॉमिक वेट को उसने क्या कर दिया बच्चों, करेक्ट कर दिया। जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि कौन कौन से, देखो बेरिलियम का एटॉमिक वेट पहले कितना माना गया था, 4.5, लेकिन बेरिलियम का आपका क्या होता है बच्चों, +2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर एक्चुअली में जब उसका वेट निकाला गया तो उसका कितना आ गया बच्चों, निकालो कितना आ गया यहाँ पर, 4.5 × 2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये अपने आप 9। तो बेरिलियम का एक्चुअली में जो एटॉमिक वेट देखा गया वो इसको देखा गया। तो एक्चुअली में उसने कौन कौन से एटम का एटॉमिक वेट उसने करेक्ट तरीके से निकाल लिया उसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। एक तो उसने यूरेनियम, बेरिलियम, ठीक है बच्चों, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, इंडियम, ओरम और प्लेटिनम, इन सबके एटॉमिक वेट को उसने करेक्ट निकाल लिया। बस इस तरीके से ध्यान रखना कि उसने एटॉमिक वेट का थोड़ा सा, इसके बारे में हम लोग आगे, वैसे आपका है बच्चों ये पूरा का पूरा आपको है कि आपको एटॉमिक वेट कैसे निकालना है, ये पूरा का पूरा आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होता है कि एटॉमिक वेट इक्वल टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। उसने इस तरीके से एटॉमिक वेट में करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, शुरुआत में हमको क्या लगा था कि बेरिलियम का 4.5 है, लेकिन उसका जब मैंने फॉर्मूला लिखा ऑक्साइड के साथ तो क्या लिखा, बीईओ, और बीईओ में बी के ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज होने की वजह से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 9 आ गया। तो एक्चुअल में जो एटॉमिक वेट था वो ये था, हम लोगों ने पहले इक्विवेलेंट वेट देखा था। इक्विवेलेंट वेट मतलब किसी की कंपैरिजन करना। इक्विवेलेंट वेट को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर समझना, जैसे NH3। अब मुझे बोलना है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, देखो आप लोग जानते हो जैसा कि नाइट्रोजन का कितना पार्ट एक हाइड्रोजन एटम से पार्टिसिपेट कर रहा है, बात को ध्यान से समझना इक्विवेलेंट वेट। अब देखो यहाँ पर थ्री हाइड्रोजन एटम, इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है मुझे बताओ, इसका वेट कितना है, नाइट्रोजन का वेट होता है 14, थ्री हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट विद 14 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम विद पार्टिसिपेट विद 14/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ पर 14/3 इज व्हाट, एटॉमिक वेट। अगर मैं H2O का निकालना चाहूँ तो H2O का कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है H2O का हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ, देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पार्टिसिपेट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन पार्टिसिपेट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, इस तरीके से कितने मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना आपका एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन फॉर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट वेट का प्रॉपर डेफिनेशन है, और भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके से उसने निकाला। तो हमारे पास बेरिलियम का पहले कितना था, बेरिलियम का हमारे पास पहले 4.5 था, अगर मैंने उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई किया, जब भी हम इक्विवेलेंट वेट को उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक वेट आता है। इस चीज को थोड़ा सा उसने सही कर दिया, इसके बारे में हम फर्दर काफी पढ़ने वाले।
ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ते हैं बच्चों यहां पर। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं यहां पर। तो उसने दो चीजें तो बता दी ऐसी ऐसी यहां पर इंपॉर्टेंट। अब हम यहां पर बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। तो इसका डीमेरिट्स क्या था? डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी मैं पीरियोडिक टेबल भी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि डीमेरिट्स हमने कैसे निकाला, ठीक है। एक मैं अलग से लेक्चर में आपको पीरियोडिक टेबल बना के ही बताऊंगा कि किस तरीके से बनाया, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो डीमेरिट्स में इसमें सब सब में सबसे अच्छा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। आपका हाइड्रोजन का पोजीशन इसने यहां पर भी नहीं बताया। सेकंड जो इसका डीमेरिट था, सेकेंड डिमेरिट आपका ये क्या था? सम एलिमेंट डज नॉट फॉलो फॉलो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लो, मतलब मेंडलीव ने क्या सोचा? मैंने जो एटम को अरेंज किया वो मैंने इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मतलब मैंने कहां पर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में मैंने मेंडलीव ने सोचा, मैंने जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है, एटम्स को अरेंज किया है, वो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, लेकिन वो गलत है। मतलब क्या हुआ कि कुछ एटम का एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग मतलब अपने मतलब जैसे मैं बात करूं यहां पर एग्जांपल्स के थ्रू ही हम चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखो उसने क्या किया, ऑर्गन पोटेशियम कोबाल्ट निकल टी आई, ठीक है, और टी एच और यहां पर पी ए, ठीक है, इस तरीके से उसने बताया। अब देखो बात को ध्यान से समझना। अब उसने क्या किया, कोबाल्ट और निकल, तो उसने कोबाल्ट और निकल को अरेंज किया और उसने देखा कि कोबाल्ट का एटॉमिक वेट, देखो एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट इज ग्रेटर देन एटॉमिक वेट ऑफ निकल। उसने किस तरीके से अरेंज किया, इस तरीके से, मतलब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब उसने इस तरीके से अरेंज किया तो उसने कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, एक्चुअली में आपका क्या होगा, एक्चुअली में आपका एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट इज ग्रेटर देन एटॉमिक वेट ऑफ निकल। तो ये होता है, देखो उसने क्या किया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो इसका मतलब उसने कोबाल्ट को पहले लिखा और निकल को बाद में लिखा। लेकिन अगर कोबाल्ट को पहले लिखा, निकल को बाद में लिखा, जब इसने कोबाल्ट को पहले लिखा तो इसका मतलब कोबाल्ट का एटॉमिक वेट मेंडलीव के हिसाब से कम है, मेंडलीव के हिसाब से कोबाल्ट का एटॉमिक वेट कम है और निकल का आपका ज्यादा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट इज ग्रेटर देन एटॉमिक वेट ऑफ निकल। तो यहां पर वो रूल फॉलो नहीं हुआ। ऐसे ही आपके तीन चार मैंने लिखे हैं यहां पर, ऑर्गन और पोटेशियम में भी ये रूल आपका फॉलो नहीं हुआ, आपका यहां पर कोबाल्ट और निकल में भी फॉलो नहीं हुआ, टेलोरियम और आयोडीन में भी फॉलो नहीं हुआ, टीएच और पोलोनियम में भी फॉलो नहीं हुआ। इस तरीके से आपके यहाँ पर कुछ कुछ जहां जहां रूल फॉलो नहीं हुए वो मैंने एग्जाम्पल लिख दी। ये एग्जाम्पल अक्सर पूछ लेता है बच्चों, ये एग्जाम्पल आपका क्या कर लेता है बच्चों, अक्सर पूछ लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमलस ग्रुप। इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, एनोमलस ग्रुप। इसके बारे में मैं आगे आपको लिखवाऊंगा। अब देखो उसने क्या किया, एक और इसका डीमेरिट था, उसने उसने यहां पर थर्ड लाइक एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप, लाइक एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप, मतलब आपका क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि बच्चों जो सिमिलर एलिमेंट है, जैसे कौन कौन सा, एयू और प्लेटिनम। आप देखोगे कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में जब आप एयू और प्लेटिनम का पोजीशन देखोगे वो दोनों आपके डिफरेंट ग्रुप में,
जबकि उनको होना क्या चाहिए था, वाइल इट विल बी इन अ, वाइल इट शुड बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, वाइल इट शुड बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, मतलब उसको सेम ग्रुप में प्लेस करना चाहिए था, मतलब जबकि आपका लाइक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप की, एग्जाम्पल AUPT, वाइल इट शुड बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, मतलब इसको आपको सेम ग्रुप में प्लेस करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया, इसीलिए यहां पर इसका ड्रॉबैक आया। ठीक है, आप देख सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी में मेनली पीरियोडिक टेबल देखोगे तो AU और PT को देखो, AU आपका यहां होगा और PT आपका इस तरफ होगा, अलग अलग ग्रुप में। ठीक है, देख सकते हो बच्चों, आप लोग अपनी एनसीईआरटी निकाल के भी देख सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी डाउनलोड करके आप उसमें देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहां पर फोर्थ मैं आपको बताता हूं, यहां पर फोर्थ फोर्थ में जैसे इसका रिवर्स, अनलाइक एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, आपका अनलाइक एलिमेंट सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, मतलब कैसे देख सकते हो बच्चों आप लोग, क्या हम मैं यहां पर इसको किस तरीके से बताऊंगा। देखो, अनलाइक एलिमेंट्स आपका सेम सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इसको देखने का सिंपल तरीका यहां पर कि देख सकते हो आप, यहां पर देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और साथ में यहां पर कॉपर AG AU को भी प्लेस किया गया इसी पॉइंट पर, मतलब लाइक एलिमेंट इन, मतलब इसको एक ग्रुप में, ये मेरा अगर फर्स्ट फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, मैं इसको अच्छे से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों कि उसने क्या किया, उसने क्या किया कि अब देखो हमारे पास एक ग्रुप है, कौन सा, फर्स्ट ए ग्रुप, आप फर्स्ट ए ग्रुप में ही ऐसा देख सकते हो बच्चों। देखो, फर्स्ट ए ग्रुप को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ए और बी। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया था और इसी तरीके से उसने क्या किया कि बी बी ग्रुप के एटम, अब देखो यहां पर फर्स्ट ए ग्रुप को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मैंने आपको बताया था, तो यहां पर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी जो ग्रुप थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, उनकी प्रॉपर्टी आपकी क्या थी बच्चों, डिससिमिलर, उनकी प्रॉपर्टी आपकी डिससिमिलर थी। तो होना क्या चाहिए था एक्चुअली, मैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ये क्या होना चाहिए था बच्चों, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए थी बच्चों, सिमिलर। आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट ए की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए थी, सिमिलर। आप अपने पीरियोडिक टेबल खोल के देख सकते हो बच्चों, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल खोलना बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मत खोल लेना। यहां पर आपका कॉपर लिखा होगा तो यहां पर आपका लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम लिखा होगा, यहां पर कॉपर, AG AU कुछ यहां लिखा होगा, तो इस तरीके से लिखा हुआ है जो कि आपके इसकी इसकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो ध्यान से समझना कि यहां पर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में ही आप देख सकते हो इजीली, तो यहां पर आप लोग इस तरीके से यहां पर प्रॉपर्टी में आपका क्या हो जाता है बच्चों, प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूँ, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और यहाँ पर सोडियम, CU AG AU। तो देखो अब ये सारे के सारे आपके क्या हो गए बच्चों, मिक्स्ड। ठीक है, इस तरीके से उसने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था जो आपका क्या था बच्चों, डिफर करता है। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी आपस में क्या करती है बच्चों, डिफर करती है, इसी को क्या बोलते हैं, अनलाइक एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। यही आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मतलब आपका क्या था, डिमेरिट्स था। ठीक है, यही सब आपके इसके डीमेरिट्स थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल में काफी ज्यादा चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए, इसके बाद आए हमारे कौन से, सर हेनरी मोजले। इसके बाद हमारे कौन आए बच्चों, सर हेनरी मोजले आए। सर हेनरी मोजले के बारे में हम लोग आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, मोजले मोजले पीरियोडिक टेबल, मोजले पीरियोडिक टेबल। अब इसके बारे में ध्यान से समझना, ही प्लॉटेड
कर्व बिटवीन 1/लैम्डा एंड जेड एज वेल एज 1/लैम्डा एंड ए। उसने क्या किया बच्चों, उसने दो कर्व बनाए। क्या किया उसने, दो कर्व बनाए। कौन कौन से, 1/लैम्डा और जेड के बीच बनाया, और उसने एक कर्व किसके बीच बनाया, 1/लैम्डा और ए के बीच बनाया। ए मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक एटॉमिक वेट के बारे में बता रहा हूं। ए का मतलब मैंने क्या बोला बच्चों, एटॉमिक वेट, ठीक है। और यहां पर उसने क्या लिखा, 1/लैम्डा। 1/लैम्डा को एक्चुअली में हम लोग बोलते क्या है बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने इसको पढ़ा है, आप लोगों ने इसको पढ़ा है किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 1/लैम्डा इक्वल टू व्हाट, 1/लैम्डा इक्वल टू व्हाट बच्चों बताओ, ये आपको आना चाहिए था। 1/लैम्डा इक्वल टू वेव नंबर, आप लोगों को ऐसा कुछ पढ़ाया होगा क्वांटम में, ठीक है। 1/लैम्डा इक्वल टू वेव नंबर। अब क्या होता है बच्चों कि जब उसने इसके बीच ग्राफ बनाया तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, यहां पर एटॉमिक नंबर लिख लो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से जो उसका उसका जो कर्व प्लॉट हुआ वो एक स्ट्रेट लाइन में प्लॉट हुआ। ये कर्व उसका किस में प्लॉट हुआ, स्ट्रेट लाइन में प्लॉट हुआ। लेकिन जब उसने इसके थ्रू कर्व बनाया तो वो कर्व आपका क्या था, कुछ जिगजैग पैटर्न में आया। कौन से पैटर्न में आया बच्चों, जिगजैग पैटर्न में आया। तो उसने यहां से क्या एनालिसिस किया, उसने बोला कि उसने यहां से अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया, उसने यहां से बस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। क्यों किया, देखो जब उसने वेव नंबर और इसके थ्रू पीरियोडिक टेबल बनाया, और उसने ऐसा कैसे किया, ऐसा करने का उसने क्या किया, बाय एक्सरे एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, एक्सरे एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बाय एक्सरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने ऐसा बनाया, और यहां पर जो 1/लैम्डा ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है, जहां पर जो आपका, जहां पर आप देख सकते हो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसने इसी को इस तरीके से लिखा ना। अब देखो इसको मैंने लिख दिया वाई, ठीक है, अब यहां पर ए जेड और यहां पर ए बी, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो जेड यहां पर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, जेड को मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स एक्स से रिप्लेस कर दिया, और 1/y को मैं, 1/लैम्डा को वाई से, तो वाई इक्वल टू ए एक्स, यहां पर ए बी आ गया, ठीक है, ए बी। अब देखो यहां पर एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, इसको इससे कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। और आप y की यहाँ पर इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर कर सकते हो, तो m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका इस तरीके से उसने ग्राफ को प्लॉट कर दिया, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम समझ सकते हैं कि उसने यह फॉर्मूला बोला, जहां पर बी क्या होता है बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जहां पर बी क्या होता है, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग वैल्यू, स्क्रीनिंग वैल्यूज होती है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। स्क्रीनिंग वैल्यू को हम इससे भी शो करते हैं, ए आपका क्या होता है बच्चों, कोई आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। ए आपका क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। ए और बी आर, ए और बी दोनों आपके कांस्टेंट होते हैं, लेकिन आपका बी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से सर हेनरी मोजले ने एक्सपेरिमेंट किया। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने, अब यहां से उसने क्या बोला, यहां से उसने बोला केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एटम्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर देयर। अब देखो उसने एटॉमिक नंबर, अब यहां से आपका सबसे अच्छा स्टार्ट हुआ, यहां से सबसे अच्छा स्टार्ट हुआ कि उसने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया तो उसने देखा कि ऑल डिमेरिट्स आर रिमूव्ड। यहां पर उसने क्या किया, यहां पर उसने देखा कि ऑल
डिमेरिट्स आर रिमूव विच इज इन मेंडली पीरियोडिक टेबल इज रिमूव्ड, मतलब ऑल डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वॉज रिमूव्ड। तो जब उसने यहाँ पर मेंडली पीरियोडिक टेबल के सारी प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दिया, सारे उसने प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब ये जो सर हेनरी मोजले का जो पीरियोडिक टेबल था वो आपका सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल हम बोल सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा एक स्टेप बचा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम कल पढ़ेंगे, और साथ साथ में आपको मेंडली पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ लेना एक बार अच्छे से, जो जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, क्या मैं उसी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। कल मैं मेंडली पीरियोडिक टेबल भी बनाऊंगा और आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आपको बस कुछ कुछ स्टेटमेंट ध्यान रखने, जो जो स्टेटमेंट मैंने आज आपको बताया वही स्टेटमेंट कल मैं आपको विद पीरियोडिक टेबल आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा इन सबको याद करने की कोशिश करो, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ज्यादा इसमें आपका रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप इजीली इन सबको याद कर सकते हो। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।